कुवैत में हुई भीषण अग्निकांड के बाद कईयों के परिवार उजर गए हैं, कई घर में मातम छाए हुए हैं। कुवैत से भारत कई डेड बॉडी भेजे गए हैं, लेकिन दरभंगा का भी एक युवक कालू खां कुवैत में उसी कंपनी में काम करता था जिस कंपनी में यह भीषण अग्निकांड हुआ है, उसकी कोई खबर नहीं मिलने से उसके घर और परिवार में मातम छाया हुआ है। 3 बजे पता चला क्या लोग से कुवैत में आग लगी। कालू खां की शादी जुलाई के महीने में 15 और 20 के बीच में होनी थी और 5 जुलाई को कालू खां अपने वतन भारत वापस लौटने वाला था। शादी की पूरी तैयारी चल रही थी, लेकिन इस बीच कालू खां का कोई भी संपर्क नहीं हो पाना। परिवार से उनके गांव और घर में मातम सा बना हुआ है। उसी मॉल में काम करते थे बाबू, एक ही ठुमको वही था और कोई नहीं कमाने वाला है बाबू। इसकी माँ नहीं है तो उसकी बच्चा को भी वही रखी हुआ है। अभी इसमें सबसे लेटेस्ट अपडेट ये आ रहा है कि कालू के भतीजे जब वहाँ उस कंपनी के HR से बात किया है तो फिर वहाँ से इन्हें एक जानकारी मिली है कि एक डेड बॉडी जो वहाँ रखा हुआ है जिसकी निशान अभी तक नहीं हो सकी है। अभी मेसी में भी बहुत सारा प्रयास कर रहे हैं, हमने वहाँ भी हमारे जो लोग रहते हैं हम उससे भी बहुत प्रयास करवा रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ कालू का पता नहीं चल पाया। वहाँ के जो HR टीम है, HR टीम से जब बात की गई इनके परिवार के द्वारा तो उन्हें बताया गया है कि भारतीय समय अनुसार 2 बजे से 2:30 बजे के बीच में वो वहाँ HR टीम को फ़ोन करे, तभी पता चल पाएगा कि वो डेड बॉडी किसकी है, क्योंकि इस बीच में वहाँ के जो HR टीम है उस डेड बॉडी की DNA टेस्ट करवाएगी और तब पता चल पाएगा कि वो डेड बॉडी कालू खां की है या फिर किसी और की। कालू खां अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला था और फिर अपने परिवार का भरण पोषण भी वो कुवैत में रह करके उसी कंपनी में काम करके किया करता था। कालू खां के ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी, लेकिन कालू खां की ये खबर अभी तक, हालांकि मौत की पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन जिस प्रकार से कालू खां के संपर्क उनके परिजनों का नहीं हो पा रहा है, ऐसे में परिजनों का बुरा हाल बना हुआ है। वो आने वाला था यहाँ तो जिस रात ये हादसा हुआ है वो अपने मोहल्ले के दोस्त यार को सबसे में उसकी बात हुई थी करीब 10 से 11 के बीच में, समझे। उसके बाद जो है ये 12:03 या 12:04 में उसका ऑफलाइन हो गया। उसके बाद से ये हम लोगों को पता नहीं चला। उसके बाद जब सुबह जब ये न्यूज़ फैला कि इस जगह आग लग गया, बिल्डिंग में लग गया, तब हम लोगों को जानकारी हुआ कि ये उसी बिल्डिंग में ये रहता था। कुवैत में हुई भीषण अग्निकांड के बाद कईयों का परिवार उजड़ गया है। इस अग्निकांड में दरभंगा के भी कालू खां की मौत की अभी तक हालांकि पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन परिजनों में मातम छाया हुआ है। कुवैत में कई भारतीयों की मौत हुई है, हर घर में मातम छाया हुआ है। कालू खां की शादी जुलाई के महीने में 15 और 20 के बीच में होने वाली थी नेपाल में, लेकिन इस बीच कालू खां की गायब होने की खबर मिलती है और परिवार गांव में मातम सा छा जाता है। अभी इसमें लेटेस्ट अपडेट जो सामने आ रही है उसमें कालू खां के भांजे बताते हैं कि जब वहां उन्होंने कुवैत में जिस कंपनी में कालू काम कर रहा था उस कंपनी के HR से बात की तो HR टीम ने बताया है कि डेड बॉडी की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। हालांकि भारतीय जितने भी डेड बॉडी थे भारत वतन भेज दिया गया है उन सभी डेड बॉडी को, लेकिन एक डेड बॉडी है जिसकी पहचान नहीं हो पाई है, जिसे 2 और 2:30 बजे के बीच में उसका DNA टेस्ट किया जाएगा, जिसके बाद यह कंफर्म हो पाएगा कि वो डेड बॉडी कालू खां की है या फिर किसी और की।